सती देवींकर आत्माहुति कथा शुणी ऋषि माने दुखरे म्रियमाण होई पड़िथिले। अनुरोध कले, हे धातासुत, एवं शिवंक सहित पार्वतींकर विवाह कथा कही आमको सुखी करंतु। ऋषि मानंक अनुरोध क्रमे सनत कुमार शिवंक विवाह कथा कहि बसिले। दक्ष यज्ञरे सती आत्माहुति देबा परे बहुकाल बीतीगला। गिरिराजंक राणी मेनका गर्भवती हेले। दश मास गड़गले मध्य मेनकांकर कौनसी संतान जन्म हेला नहीं। नारद आसी कहिले, स्वयं आदिमाता दश वर्ष परे पुणी मेनकांकर गर्भरु जात हेबे। शिवतांकु अपेक्षा करिछंती। शिवंकु पंचाक्षर मंत्ररे जप कले से तांकु ए कष्टरु उद्धार करिबे। गिरिराजंक प्रार्थना फलरे राणी एक सुंदर कन्या पर्वत उपरे जन्म करिबरो तांकर नाम दियाकला पार्वती। शिवंकु पति रूपे पाइबा पई पार्वती आरंभ कले कठोर तपस्या। खरा वर्षा शीत काकर को खातिर न करी शिवंकु आह्वान करुछंती पंचाक्षर मंत्र जपी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। छद्म बेश धरी उभा हेले धुर्जटी। पचारिले, कह नारी बर कि नाम तुम्भर केउठारे बास स्थान, हे बयसे किंपा तप कर बसी पाइबाकु केउं धन जे रत्न सर्वे खोजंती। मते निय बोली रत्न कहे कि रत्न सर्वे खोजंती। ए कथा सुनी देवी पार्वती निजर परिचय देले। शिवंकु पति रूपे पाइबा पई तांकर ए कठोर तप बोली छद्मवेशी शिवंकु कहिले। एथर किंतु पशुपति निजर समस्त अभिगुण गाई बसिले। छी 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 देवी, तुम्हें राजनंदिनी हे श्मशान रहुवा गोटे पाऊँश बला हारमाल बुहा जटाधारी को पति रूपे पाइबा मन बोलाऊ सबुले जार चारिपाखे भूत प्रेत गुड़ा घूरी बुलू था पांचटा मुंडे जार तीनटा आखि साप गुड़ा बेकर गुड़े फणा टेकि था खंडे बाघ छाल पिंधि वृषभ उपर बस त्रिशूलटाए धरी जी श्मशान सारा घूरी बुलू थाए ताकु पाइबा पई तुमे सुना देह को चुना करी तपस्या करुचो। छी 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 छी। देवी पार्वती निज कानरे हाथ देई सखी जया विजयांगु डाकी कहिले, शिव निंदाउ न पारिबि सहि जीवन हारिबि मोहि गो। पार्वतींकर अतुट भक्ति और विश्वास देखि सशरीर रे उभा हेले प्रभु शशांक शेखर। तुमर कठोर तपस्या रे मु संतुष्ट होइछि देवी, भक्ति रे तुमे मते किणी नै छ, तप छाड़ी एबे घर को जाओ, मु निश्चय तुमको विवाह करिबि। पितांकु कहि स्वयंवरर आयोजन कर। देवी पार्वती घर को फेरिले। कन्याठारु समस्त कथा शुणी आनंदित हेले पिता गिरिराज ओ माता मेनका। स्वयंवरर आयोजन हेला। निमंत्रित होई आसिले सकल देवता राजा आउ ऋषिगण।
हिमवंतपुर आनंद रे फाटी पड़ू थाए। देवी पार्वती बधुवेशरे अपेक्षा करिसंती केते बळे आसीबे तांकर हृदयेश्वर। प्रतीक्षार जंत्रणारे छटपट हेउथंती से मनरे असंख्य प्रश्न बाची। ताहेले सदाशिव कोण आसीबे नहीं? सखी जया विजय को चाहि देवी कहिले शंकर आसीले नाही गो सजनी स्वयंवर भांगी दिया गो बधु बेश मोर अंग काढ़ी निया जल रे भसाई दिया गो हठात एक करुण क्रंदन ध्वनि भासी आसला दूर रु बालकटीए आकुल कंठरे चित्कार करुचि देवता गंधर्व किन्नर राजागण समस्ते नृत्य गीतरे मस्कुल काहरी कानरे से करुण क्रंदन ध्वनि बाजुनाही। देवी सखी जया विजय को संगरे धरी छुटिकले जलाश्रय निकट को कुंभीर को अनुरोध कले बाड़क को छाड़ी देवाई। कुंभीर जुक्ति बढ़िला आहर को से छाड़ किपर पांच दिन हेब किसी खाई से भोक तार पेट चढ़ुची। देवी कहिले भुंजी संतोष रे खिउदा कर तोस बालक बंचिले कीर्ति पाइबु अशेष। देवींकर कथा सुनी कुंभीर अटहास्य करी उठिला। देवी जहा देबे ताहा ऋषि मुनिंकर आहार निश्चय सेथिरे कौन मोर खिउदा मिंटिब। मोर दरकार मेद रक्तमांसर आहार। देवी गोटी छागल देवे बोली कहिले। कुंभीर जुक्ति पुणी बाढ़िला गोटे जीव कुमारी आउ गोटे जीवर जीवन रक्षा करिबा केउ धर्म कार्य। देवी चकित हेले कुंभीर जुक्ति सुनी पाप शरीर त्याग करे स्वर्ग को जाई देवगण सहित दिव्य भोग करिबा को प्रबोधन देले। कुंभीर कहिला के मन्ते स्वर्ग को मुझे करिबि गमन अधर्म जोनी रे मुत होइछि जन्म हिंसा कर मोरे मोर जीवन जड़ित धर्म बल नाही मोर गमी बिके मंत। देवींक पाखरे जुक्ति करिबाकु आउ किछि भाषा नथिला। निजर समस्त तपस्यार पुण्य फल ताकु दान करि बालक को छाड़ी देबा पई कहिले। कपटे कुंभीर संतुष्ट होई बालक को मुक्त करि अदृश्य होइगला। देवी कोलरे धरिले से दिव्य सुंदर बालक को देहरे एक अपूर्व सिहरण। किए ए बालक? शंकर नुहंती तो मायारे से अनेक रूप धरती नहले नहले एपरी विराग जन्मता कहीं सबु देखुले सचिपति इंद्र। तांक मनरे संदेहर कुहेड़ी कल्पित दृष्टि रे देखिले एक रत्न सिंहासन उपरे देवी पार्वती विराजमान करिसंती एवं अपलक नयन रे चाहिसंती सही सम्यकांत बालक को। मन मध्ये विचारिले स्वयं वर नहु माया रे कन्या कु हरि नेब परायहु एथकु उपाय आग करिबि मु आज नहिले पछकु पूजिब बड़ लाज। बाळक को मारिबा निमन्ते वज्र उठाइले सुरपति। सेही अवस्थारे रहिगले से हस्तपद स्थिर होइगला तांकर। एहा देखि देवता माने प्रमाद कणिले। ब्रह्मा ध्यान बळरे जानि परले स्वयं सदाशिव बाळक रूपरे भवानीक कुळरे विराजमान करिछन्ते। से स्तुति कले हे आशुतोष इंद्रदेवंकु क्षमा दियो न जानि से महा अपराध करिछन्ते।
ଅମୃତ ନୟନରେ ଚାହିଁଲେ ଶଙ୍କର ସଚିପତିଙ୍କୁ। ହସ୍ତପଦ ପୁଣି ଚାଲିଲା, ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କାହାରି ତୁଣ୍ଡରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦି ରୋଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେବୀଙ୍କର ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଦୋହଲାଇଦେଲା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିଲେନି। ସେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଗିରିରାଜ ନନ୍ଦିନୀ ପାର୍ବତୀ। ସତୀଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ଜନିତ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ କେବଳ ପାର୍ବତୀ ହିଁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବଦନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆସି ଠିଆ ହେଲେ ଗୌରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଏ କ'ଣ ଏଇ କି ଦିବ୍ୟ ଶୋଭା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ? ଲୁହ ଭିତରେ ଛଲମୁଲ ଦିଶୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳିଙ୍କ ସେଇ ହସ ହସ ମୁହଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ଦେବତାମାନେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କଲେ, ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳିରେ ଗଗନ ପବନ ମୁଖରିତ ହେଲା। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭିତରେ ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ମହର୍ଷି ସନତ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ଋଷିଗଣ ଦେବଦେବଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଗାନ କଲେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।